अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, क्या हाल चाल है, कैसे सब? अच्छा, तो यार सीन ऐसा है कि यहाँ पे हम ब्रह्मास्त्र में उतरे थे। यहाँ से सीन ऐसा है कि क्योंकि पहले पहले यही आ रहा था मेरे माइंड में, था कि यहाँ पे काफ़ी बंदे आएंगे और फाइट होगी अच्छी वाली, बट यहाँ पे कोई ख़ास बंदे नहीं आए। 3-4 बंदे आए हुए थे बाबा जी, हमने बैरल पकड़ी और दुर्गी लगा दी। यहाँ पे साउंड आई थी मुझे कि इस बड़ी बिल्डिंग में बंदे आए हैं, और एक काफ़ी यही था वो। इस भाई को हमने यहाँ पे किया नोक, और यहाँ पे चौधरी पता नहीं क्या नेम था, इसको हमने कर दिया फिनिश। और यहाँ पे बिल्कुल चेक करो, बंदे ने नेड, ओए होए होए, वेरी नाइस ब्रो। शायद इसको मेरी लोकेशन का कुछ अंदाज़ा था, खैर नेड तो ठीक था। साउंड आई, आगे से फाइट हो रही है बाबा जी, हमने दुर्की लगाई, भाग पड़े कि यार किल उठाने हैं। अभी तक 40 बंदे लाए थे, अभी तक हमारे सिर्फ एक ही किल था भाई। मतलब क्या नहीं, मतलब क्या, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है, आई नो, बट इतनी भी नहीं, समझ रहे हो। तो बाबा जी यहाँ पे चेक किया कि बंदा कौन सी साइड पे है, बट दिखा तो नहीं। यहाँ पे जैसे आके देखा, ओए होए ओए होए, हमने तो आपको देखा ही नहीं। यहाँ पे एक नोक किया, ठीक है, आई थिंक बोटा था मेरे यहाँ से, और ये बंदा था जो मेरा किल चोरी करने वाला था। अभी शेख भाई का नेम था, अरबी था या पता नहीं पाकिस्तानी था, खैर जो भी था शेख नेम था। और बाबा जी हमने इसको कर दिया फिनिश, ये डायरेक्ट फिनिश हो गया था। इसके कोई टीममेट्स वगैरह यहाँ पे नहीं थे, तो यहाँ पे बोटे को भी हमने किल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए थे यहाँ पे पूरे पूरे 3 किल। ओए होए होए, मजे। अच्छा सीन आया, फिर आया हम दुर्की लगा के आगे आगे, यहाँ पे साउंड आ रहा था, मुझे लगा वो बंदा इधर कोई बंदे हैं उनसे फाइट कर रहा था, इस वजह से यहाँ पे। और यहाँ पे बोटा मिला गया हमें, एक और किल फ्री वाला, और ये बोटा यहाँ पे कर रहा था लूट। ओ भाई साहब, तू थकते हैं लूट करके, शायद मेरे लिए ही ढूंढ रहा था बाबा जी। फिर पहुँचे हम यहाँ पे, यहाँ से हमने गाड़ी पकड़ी। अब मैं जा रहा हूँ, सामने से मैंने देखा ड्रॉप आ रहा है, मेरे माइंड में था कि ड्रॉप पे कोई ना कोई तो आएगा, मतलब वाइट हो सकती है। तो बाबा जी हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के हमने दुर्की लगा के जाके पहले पहले ड्रॉप की लूट कर ली, कि जो भी आएगा फिर उससे फाइट लेंगे। सीन यहाँ से लूट पकड़ी, लेवल 3 पकड़ ली, इधर से ग्रोज़ा पकड़ ली, मतलब सीन अच्छा हो गया था अपना। और जैसे ही मैं जा रहा था, मुझे साउंड आया कि सामने से गाड़ी आ रही है जिसमें फुल स्क्वाड है। ओ भाई साहब, तो बाबू जी हमने यहाँ पे दुर्की लगा के हमने कर दिया रश। और यहाँ पे एक बंदा ऊपर से आया, साउंड आई थी कि वहाँ पे किसी ने फायर किया था, तो ये उसी को फिनिश करने जा रहा था भाई। भाई हमारे होते हुए ये उससे फाइट कैसे कर सकते हो, यहीं पे रुको। इसके बाद एक लेफ्ट साइड से साउंड आई मुझे, इधर से भी बंदा रश कर रहे हैं मेरे ऊपर। बाबा जी हमने कर दिया रश, और इसको यहाँ पे कर दिया नोक। अब 2 नोक इनके हो चुके थे और 2 बंदे इनके अलाइव थे अभी, 2 मतलब। तो यहाँ पे बाबा जी मेरी कुछ हेल्थ लो थी, हमने यहाँ पे कुछ हल्के बल्के बैंडेज वैंडेज लगाना स्टार्ट कर दिए, कि मेरे माइंड में था कि अगर कोई ऊपर जाएगा तो मैं उस बंदे को पकड़ूंगा जो ऊपर की साइड जाएगा, उसको रिवाइव करने के लिए जो ऊपर नोक किए मैंने। खैर वो उसका किल मुझे आ गया था अभी। तो यहाँ पे एक और बंदा भी था जो रश कर रहा मेरे ऊपर। नया भाई ऐसे कैसे, नहीं भाई ऐसे कैसे, ऐसे कैसे तो हमको मारेगा। और यहाँ पे देखो मैंने इसको कैसे फंसाया, आए हाय, मजे मजे मजे, कैसा दिया। अच्छा ये भी हो गया था यहाँ पे नोक, 3 नोक इनके हो चुके थे, और एक बंदा निकाला था जो कि मुझे यहाँ से दिखा, वो सामने पत्थर के पास खड़ा हुआ है। तो हमने बाबा जी M4 निकाली और दुर्की लगा के रख दिया फिनिश, और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कोर भी कंप्लीट वाइप, और हमारे 4 से 8 किल हो गए। तो बाबा जी यहाँ से हमने लूट वूट पकड़ी, कि जो लूट वूट हमारी कम हो गई थी, खैर हमने वो अगर यहाँ चेक करो, फ्री के किल, फ्री के किल। पबजी वाले ना बड़े कोई काम के बंदे हैं, स्पेशल नहीं है, और बोटे मुझे दे देते हैं बस। मैं भाई अपनी KD हाई कर रहा हूँ, बढ़ गया भाई यार, मतलब खैर कोई ना, सबकी गेम में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10 किल हमारे हो गए थे, और यहाँ पे हमें किल चाहिए थे, 15 बंदे अलाइव थे। ये रिवाइव रिकॉल होके आ रहे हैं, रिकॉल होके आ रहे हैं, रिकॉल होके आ रहे हैं, मर रहे हैं, फिर रिकॉल होके आ रहे हैं। ओए होए, आए हाय, हमने तो आपको देखा ही नहीं, अचानक से आ गए आप हैं, आए हाय, कैसे ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे। भाई का मूड ऑफ था नाम, और हमने भाई का यहाँ पे मूड ऑन कर दिया, ताकि भाई को कोई टेंशन वेंशन हो। भाई टेंशन तो लेनी ही नहीं है ना, आए हाय हाय, आए हाय हाय। अल्हम्दुलिल्लाह 11 किल हमारे हो गए थे, और बंदे अभी तक अलाइव थे 14, मगर फिर भी देखना। अच्छा, उसके बाद अब बिल्कुल पीछे से बंदा था, उसने हल्की सी मुझे साउंड आई कि कोई है, थोड़ी सी उसने मूवमेंट दी। ओ भाई साहब,
छुप छुप के आ रहा है, छुप छुप के आ जा नील परी आ जा, वो खेलते थे ना छोटी एज में, छोड़ो यार। अच्छा यहाँ पे 12 किल हमारे हो गए थे, 13 बंदे अलाइव थे, और फिर 14 हो गया, मतलब फिर से कोई रिकॉल होके आ गया, वो अड़ गया भाई, अड़ गया भाई। और मेरा मेरे माइंड में था कि सामने वाले घरों में जाके ये जो ऊपर बंदे हैं ना, जो पीछे वाइट ले रहे हैं, इनसे जाके पंगे लेता हूँ मैं। तो बाबा जी हमने यहाँ पे दुर्की लगा के ऊपर पहुँच गए, ऊपर पहुँच के अब मुझे यहाँ पे एक बंदा लेटा हुआ दिखाई दिया, टैप टैप से मारा था आई थिंक किसी को, ये चेक करो। और इसको मेरी एक भी बुलेट नहीं लगी, फक मैन स्प्रे चेक करो मेरा बकवास। उसके बाद कहो कि हमने थोड़ा ये अब ये बैठ के कुछ अच्छा हुआ। खैर एक बंदा नॉक कर दिया था हमने इनका, एक माइंड में आ रहा था कि रश कर दूं, बट मुझे इनके बाकी टीममेट्स की लोकेशन का पता नहीं था कि कहाँ से आ रहे हो। एक बंदा इधर से आ रहा था, बाबा जी हमने उसको नॉक करने को कर दिया, 600 बुलेट इस बंदे को लगे हैं, बट मजा लिए नॉक हो जाओ भाई। कौन सी चक्की का आटा खा के आया था तू यहाँ गेम में है, ये नॉक ही नहीं हुआ भाई, पावर मैन था पावर मैन। अच्छा खैर साथ में बोटा वोटा बंदे बंदे मारा था, खैर हमें हमने माइंड में था कि यार बोटे वोटे नहीं पकड़ने, बस रियल बंदे ही मारने हैं। तो बोटे को कहा भाई तू चल कर, चल कर चल कर नीचे, एक बंदा आया हो भाई, ऐसे कैसे ऐसे कैसे भाई, मुझे कोई ड्रॉप वॉप लूटा हुआ था। और हाय 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 ये भी यहाँ पे हो गया नोक, ये कंप्लीट फिनिश, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए थे 13 किल्स मतलब 13 किल्स। तो यहाँ पे हमने लूट वूट पकड़ी, पीछे भी देख रहे थे ऐसा ना हो कि कोई हम की यहाँ पे पेटी बना दे इसी के साथ साथ ही। और फिर से ऊपर फाइट होने लगी, हम फिर से ऊपर आ गए दुड़की लगा के कि यार चेक करते हैं इनको, पकड़ते हैं ये जो ऊपर वाले थे, ये वो जो बंदा नॉक किया था वो दोबारा से रिवाइव हो गया था। बट मसला थी ये था कि हमारी M4 की बुलेट ख़त्म हो गई थी, और बैरल से आप इतनी दूर, वो सॉरी बैरल ग्रोजर से आप इतनी दूर का स्प्रे दे ही नहीं सकते हो। तो यार यहाँ पे मैंने टैप टैप से मारने को ट्राई किया, बट ये भाई मेरे हाथ ही नहीं आया, हमने छोड़ दिया इसको कि यार छोड़ तू चिल कर, इंजॉय कर, मस्ती कर। और साथ में पता चला भाई यहाँ तो रियल बंदा भी आ गया, पहले तो बोटे लड़ रहे थे हमने इग्नोर मारा, अब तो रियल बंदा भी आ गया। चल भाई दुड़की लगा के पहुँच गया हम इसको फिनिश करने के लिए, भाई ये इसको देखते हैं कि है कौन कहाँ पे है। पहले नीचे यहाँ पे हमने साउंड लिया कि बंदा कौन सी साइड पे, उनको भी देखा, और वो बंदा एक यहाँ पे आगे की तरफ रश कर रहा है। तो मैंने कहा जल्दी से साथ वाले को, पहले पास वाले को फिनिश कर देता हूँ, उनसे फिर फाइट कर लेंगे। सबसे पहले इसको हमने किया फिनिश, फिनिश ऐसे हमने दुड़की लगा के थोड़ा सा जंप किया ऊपर, ये ऐसे ऐसे हेड पड़ी, और भाई यहाँ पे हो गए फिनिश। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ हमारे हो गए थे 14 किल्स मतलब 14 किल। तो बावची हमने दुड़की लगा के आगे से बंदे इधर से रश कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा हो गया कचरा, ये चेक करो। जब तक मैं स्कोप ओपन करके फायर करने लगा था, भाई ने पहले से ही मतलब वार्ड लगा दी थी हमारी। तो भाई बहुत अच्छा खेल रहे थे, नोक भी हुए थे, बट इनको रिवाइव मिल गया था, इनके टीममेट वहाँ पे पास थे और मैं सोलो पे था। खैर हमारा तो डायरेक्ट पेटी बन गई। अगर भाई की गेम प्ले देखें तो भाई की 3+ की KD है, 3.26 की आई थिंक, मतलब